स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक इंटरव्यू पेज नंबर 28। बच्चों, इंटरव्यू का अर्थ होता है वन टू वन पर्सन कम्युनिकेशन, अर्थात एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है, उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, वन इज इंटरव्यूअर एंड वन इज इंटरव्यूवी, एक जो इंटरव्यू लेता है और दूसरा जो इंटरव्यू देता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देर आर फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन टू यू, आपको कुछ सेट दिए हैं क्वेश्चंस के, उनके उत्तर आपको अपने फ्रेंड से पूछने हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर्म पेयर्स एंड इंटरव्यू योर पार्टनर यूजिंग द क्वेश्चंस गिवन हियर, आपको अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ में ये क्वेश्चंस पूछने हैं। योर फ्रेंड्स विल गिव हिज और हर आंसर, आपका फ्रेंड बॉय या फिर गर्ल, जो भी आपका मित्र है, आपके पूछे हुए सवालों का जवाब देगा। लेट अस सी अ स्मॉल कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स। Your friend will answer your questions. So what kind of questions are asked in an interview? Let's start an interview between Kedar and Meena. What is your full name? My name is Meena Ramesh Joshi. Where do you live? Tell me your address. I live in Mumbai. My address is room number 10, B wing, second floor, Amrita Apartment, MG Road, Shastri Nagar, Ghatkopar East. What is your favorite subject? I like English and Mathematics. What games do you play? I like to play Kho-Kho and Chess. What is your favorite dish? Puran Poli and Pav Bhaji are my favorite dishes. What's your hobby? Singing, dancing, reading books are my hobbies. Student, I hope आपको ये समझ में आया होगा interview क्या होता है। Let us learn few more इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरव्यू, थोड़ी और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में आपने सुना होगा, कहाँ सुना है? यस, आपने सुना होगा कि मीडिया में रिपोर्टर लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो हमें उस इंटरव्यू से क्या जानकारी मिलती है? और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर इंटरव्यू होता है, गेस करिए आप। जैसे स्कूल में, ऑफिस में, ऑफिस में जॉब लेने से पहले इंटरव्यूज़ होते हैं, और स्कूल में एडमिशन लेने से पहले इंटरव्यूज़ होते हैं। इसी तरह मीडिया में हम किसी एक्टर के बारे में या किसी नेता के, किसी लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंटरव्यू से, तो हम क्या करते हैं इंटरव्यू में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक सेट है इंटरव्यू का, सामने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो हम क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। फॉर्म पेयर्स एन इंटरव्यू योर पार्टनर यूजिंग द क्वेश्चंस गिवन हियर, योर फ्रेंड्स विल गिव हर और हिज ओन आंसर। आपको एक पार्टनर बनाना है, मतलब फ्रेंड बनाना है, और उससे ये सारे क्वेश्चन करने हैं, एंड शी इज़ और ही इज़ गोइंग टू आंसर फॉर दैट, वह उन प्रश्नों के उत्तर देगा। लेट अस नो व्हाट द क्वेश्चंस आर, लेट अस स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चंस। व्हाट्स योर नेम, योर फुल नेम, इसका अर्थ ये हुआ आपका पूरा नाम क्या है। तो आप इसके नीचे आपका अपना अपना अपने पार्टनर का नाम लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, टेल मी योर एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, मुझे अपना पता बताइए। और आपको पता लिखना है अपने पार्टनर का यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक, आपको कौन से विषय पसंद हैं, जैसे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What's your favorite dish? Dish मतलब food, which we eat, जो खाना आप खाते हो। तो उसमें से क्या पसंद है आपको, पाव भाजी, पानीपुरी, noodles? Yes, yes, आप guess करिए, और आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गेम्स डू यू प्ले. आपको यहाँ पे बहुत सारे गेम्स दिए हुए हैं, जैसे कि हॉपस्कॉच, टैग, हाइड एंड सी, खो खो. ये सारे गेम्स में से आपको जो पसंद है आप उसे भी लिख सकते हो. इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पसंद है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो. देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हॉबी. बच्चों, ये हॉबी क्या होती है? हॉबी का अर्थ हो गया है कि हमें क्या करना पसंद है. हॉबी का अर्थ है कि हम जो फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं. जैसे हमारे पास जो समय बचता है या हमारा जो टैलेंट होता है उसके हिसाब से जो कार्य हम करना चाहते हैं उसे हम हॉबी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सिंगिंग, डांसिंग, क्लाइंबिंग हिल्स. क्लाइंबिंग हिल्स मतलब माउंटेनियर, मतलब जो पहाड़ पे चढ़ते हैं. ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग द ड्रम बजाना, ईटिंग, खाना खाना, स्लीपिंग, सोना, विस्लिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स. तो आपको मालूम है किसी किसी बच्चे की हॉबी होती है कि वो अलग अलग तरह के स्टैम्प्स कलेक्ट करे. कोई अलग अलग तरह के कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई अलग अलग तरह के बीड्स कलेक्ट करता है. बीड्स पेबल होता है, छोटा छोटा अलग अलग कलर का, और फेदर्स मतलब कि पंखियों के पंख. इसके अलावा आपकी और कौन सी हॉबी है वो आप भी इंक्लूड कर सकते हो. स्विमिंग, तैरना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब इसके आगे अगर आपको और कोई हॉबी पसंद है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप वो लिख सकते हैं. लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल मी फ्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए. क्या बताना है? व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट यू वांट टू लर्न एक्सेट्रा. आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या लर्न करना पसंद है. लर्न मतलब सीखना. उसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं बच्चों, आप इसमें से आंसर ले सकते हो, इसमें से ऑप्शन में से लिख सकते हो. जैसे आई कैन विसल, मैं सीटी बजा सकता हूँ. आई कैन स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ. आई वॉन्टेड टू लर्न कराटे, मुझे कराटे सीखना पसंद है. आई लाइक टू राइड अ बाइसिकल, मुझे साइकिल चलाना पसंद है. इसी तरह कोई हॉबी अगर इसमें इंक्लूड नहीं हुई है तो आप उसके बारे में इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. आई होप आपको ये इंटरव्यू समझ में आया होगा, और आप अपने पार्टनर का इंटरव्यू लेते समय इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू अगर जाते हो तो आप उसका इंटरव्यू ले करके और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इंटरव्यू समझ में आया होगा.